السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن पनाह में रखना, मुझको अपनी पनाह में
महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुकद्दर जगा दे, अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुकद्दर जगा दे, लुत्फ़े दुनिया को ले आज से मैं, लुत्फ़े दुनिया को ले आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। ऐ नजर में जमाल हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल गिनते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, फूल गिनते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है बादे सबा, ऐसी कुछ शेर पेश करता। एक बंदा ने वर्ष किया है कि पिंजरे में परिंदा है कि पर तोड़ रहा है, पिंजरे में परिंदा है कि पर तोड़ रहा है, तैबा की तरफ उड़ने को दिल बोल रहा है, पिंजरे में परिंदा है कि पर तोल रहा है, तैबा की तरफ उड़ने को दिल बोल रहा है, क्या क्या ना सुने कान समात, क्या क्या ना सुने नाम समात ने हमारी, क्या क्या ना सुने नाम समात ने हमारी, एक नाम मगर कान में रस घोल रहा है, क्या क्या ना सुने नाम समात ने हमारी, एक नाम मगर कान में रस घोल रहा है, एक नाम मगर कान में रस घोल रहा है। एक मतलब एक से यूं याद आया कि जिक्रे सरवर के लिए वक्त निकाला जाए, जिक्रे सरवर के लिए वक्त निकाला जाए, जुलमते दिल को दुरूदों से उजाला जाए, जिक्रे सरवर के लिए वक्त निकाला जाए, जुलमते जुल्मते दिल को दुरूदों से उजाला जाए, अपने मालिक की सुने और रहे ख्वाबों में, अपने मालिक की सुने और रहे ख्वाबों में, एक परिंदे को इसी नफ्स, एक परिंदे को एक परिंदे की तरह नफ्स को पाला जाए, जिक्र सरवर से दुरूदों को, जिक्र सरवर के लिए वक्त निकाला जाए, दिल की जुल्मत को दुरूदों से उजाला जाए, एक अपने मालिक की सुने और रहे ख्वाबों में, एक परिंदे की तरह नफ्स को पाला जाए। और एक मतलब एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि दिल में सरकार की उल्फत के उतर जाने से, पढ़ा देखें, दिल में सरकार की उल्फत के उतर जाने से सब सुधर जाता है, एक दिल के सुधर जाने से सब सुधर जाता है, एक दिल, दिल में सरकार की उल्फत के उतर जाने से सब सुधर जाता है, एक दिल के सुधर जाने से सब सुधर जाता है, एक दिल के सुधर जाने से। और फिर देखेंगे इश्क एहसास है, एहसास की पहचान भी है, इश्क एहसास है, एहसास की पहचान भी है, इश्क नापा नहीं जाता किसी पैमाने से, इश्क नापा नहीं जाता किसी पैमाने से। और ये मजीद का इब्तिदा भी हुआ। एक मतलब मुझे याद आया इस मौजू पर कि गुमा गलत, नाप का मतलब है गुमा गलत है,
कि तेरा पता नहीं मिलता। दुमा गलत है कि तेरा पता नहीं मिलता, तेरे हबीब के सबसे में क्या नहीं मिलता। दुमा गलत है कि तेरा पता नहीं मिलता, तेरे हबीब के सदके में क्या नहीं मिलता। जरा लबों से मोहब्बत तो बोल कर देखो। दुमा गलत है कि तेरा पता नहीं मिलता, तेरे हबीब के सदके में क्या नहीं मिलता। जरा लबों से मोहब्बत तो बोल कर देखो, किसी भी लफ्ज में ऐसा मजा नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। बहुत एक शेर, उसने यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां, उसने यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां, खुद चाल कर गया यहां उंगली को देखकर। नाते पाक पेश है। ख्याल नबी दिल में आए तो बस है, ख्याल नबी दिल में आए तो बस है, ख्याल नबी दिल में आए तो बस है, तो बस है। मुकद्दर मेरा वो जगमगाए तो बस है, मुकद्दर मेरा वो जगमगाए तो बस है, दुआए मेरी रंग लाए तो बस है, दुआए मेरी रंग लाए तो बस है, लाए तो बस है। दुआ सुन के मेरी वो मुस्कुराए तो बस है, दुआ सुन के मेरी वो मुस्कुराए तो बस है। मदीना बुलाए या रखे यहीं पर, मदीना बुलाए या रखे यहीं पर, रखे यहीं पर। तसव्वुर में भी आप आए तो बस है, तसव्वुर में भी आप आए तो बस है। हवाओं में जिक्र अहमद की खुशबू, हवाओं में जिक्र अहमद की खुशबू, अहमद की खुशबू। यही सांस सीने में आए तो बस है, यही सांस सीने में आए तो बस है। मोहम्मद 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 मोहम्मद, ज़बां पर यही नाम आए तो बस है, ज़बां पर यही नाम آئے تو بس ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة معزز ومكرم برادران ملت اسلامیہ بانیان مسجد ان کے فرزندان دوستوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ عنایتوں کا یہ فیضان ہے کہ آج ہم سبحانہ و تعالیٰ جل مجدہ نے آپ کو ہم کو ایک انتہائی عظمتوں برکتوں رفعتوں والی مجلس اور محفل میں شرکت کی سعادت کا عظیم و شان موقع عنایت فرمایا ہے. یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس محفل اس بزم اور اس افتتاحی تقریب میں حاضر ہوئے. آج آپ اور ہم مسجد محبوب حسین کے افتتاحی مراحل سے گزر رہے ہیں. یقیناً اس محلے اس علاقے کی تاریخ کا ایک حصہ اس مسجد کی بنیاد ہے اور جہاں تک دنیاوی تاریخ کا معاملہ ہے تو جہاں ایک بار مسجد بن گئی تو سمجھے صبح قیامت تک وہاں مسجد ہی رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیواریں نہیں تو مسجد ہے, چھت ہے تو مسجد ہے. یہ مسجد کی تعمیر ہے, لیکن مسجد کی جو اصل بنیاد ہے, جو اصل فاؤنڈیشن ہے, یہاں ہمارے ماشاءاللہ کریم قادری صاحب کے تمام فرزندان بیٹھے ہیں, ان میں ایک انجینئر بھی ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی. سید رضوان صاحب مجھے فرحان قادری رومان وغیرہ نے بتایا کہ اپنی محنت کے ذریعے انہوں نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا. جب فاؤنڈیشن رکھا تو پھر کانکریٹ بھی استعمال ہوا, سیمنٹ بھی استعمال ہوئی, والز کو نیچے سے ریٹیننگ وال کو اٹھایا گیا. تو کسی بھی عمارت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے, کیونکہ بنیاد جس قدر مضبوط ہو وہ عمارت اتنی پائیدار ہوگی. جیسے چار مینار کی بنیاد ہے, بڑی مضبوط, اطراف اور اطراف میں کسی قسم کی کھدائی کی اجازت نہیں ایکسکیویشن کی, کیونکہ بنیاد اس کی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے, وسیع اور عریض ہے تاکہ اسٹرکچر کو صدیوں تک سنبھالا جا سکے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی دیر تک زمین کے سینے پر ٹکی ہوئی رہے گی. تو یہ جو مسجدیں ہیں اس کی جو ظاہری بنیادیں ہیں یہ تو کانکریٹ برک اور مورٹار اور سیمنٹ پر مشتمل ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کی بنیاد کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی اولین مسجد کی سنگ بنیاد رکھی جسے ہم مسجد قبا کہتے ہیں. ابھی ہجرت کا مرحلہ چل رہا ہے, حضور مدینہ طیبہ میں اب جہاں مسجد نبوی ہے اور میرے نبی کا روضہ ہے, اس سے قبل ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو میرے اور آپ کے نبی نے وہاں پر مسجد کی بنیاد کو قائم فرمایا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ محبوب کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے, جس کی اساس تقوی کی بنیاد پر ہے. تو جو مسجد تقوی اور اخلاص کی
असास पर जिसकी बुनियाद रखी जाती है वो 100-200 साल नहीं बल्कि सुबह कयामत तक जमीन पर बिल्कुल जमीन के सीने पर टिकी हुई रहती है। और जब सुबह कयामत सूर फूका जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उन मस्जिदों को जो मस्जिदें तक़वे की बुनियाद पर खालिसत अल्लाह तबारक व तआला की वजह से उसकी मोहब्बत की बुनियाद पर कायम की जाती है अब सुबहानों व तआला उसे कयामत में आसमानों में ऐसी मस्जिदों को उठा लेगा। यानी कि जो मस्जिदें तक़वे की बुनियाद पर कायम की जाती है कयामत सब तहस नहस कर देगी, हश्र के दिन सब बर्बाद हो जाएगा। कयामत का मौका जब आएगा तो कोई इमारत बाकी नहीं रहेगी, ताजमहल नहीं रहेगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं रहेगा, चारमीनार नहीं रहेगा, आप अहराम मिस्र लेने कुछ नहीं रहेगा जो हजारों साल से टिके, इन सबको तहस नहस किया जाएगा। लेकिन एक मुसलमान जब लिबजिल्ला अल्लाह की रजा की खातिर मस्जिद को बनाता है तो कल कयामत के दिन ये मस्जिद को सूर जब फूका जाएगा तो अल्लाह बर्बाद इस नाबूद होने से बचाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि इसे आसमानों में उठा लिया जाएगा। तो ये है इसकी देर पाई। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मस्जिदों की तामीर करने वालों की कुछ क्वालिटीज बयान करवाई है कि मस्जिद कौन तामीर करता है और तामीर करने वाले के एट्रीब्यूट्स उसकी क्वालिटीज और उसकी खसूसियात क्या हो उनका इंट्रोडक्शन भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, फिर उनकी तारीफ भी फरमाई, फिर उनके लिए बशारत भी अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह तौबा में इशारा फरमाता है इन्नमा याकुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद तामीर कौन करते हैं? बेशक अल्लाह फरमाता है मस्जिद वही तामीर करते हैं। देखे यहां पर मस्जिद का तामीर करना सबके बस की बात नहीं है, जिसे अल्लाह तौफीक दे और जिनसे काम ले दे अब सुबहानहू व तआला वही मस्जिद को तामीर करते हैं। लेकिन कुरान की जुबान से अगर आप पूछें कि वो कौन लोग हैं जो मस्जिद को तामीर करते हैं तो अल्लाह फरमाता है वही करते मन आमना बिल्लाह जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया है और वल यौमिल आखिर आखिरत पर जिसका ईमान है। अब देखें इन दो क्वालिटीज पर अगर आप गौर करें मस्जिद तो बन गई है। मस्जिद को उस वही तामीर करता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर सिर्फ जुबानी खर्च का नाम नहीं है दोस्तों। ईमान इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब का नाम है। अल्लामा अकबाल ने कहा था कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसने मस्जिद तामीर की है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनमें ये क्वालिटीज को ये खसूसियात को मदीहत फरमाता है कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान रखने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुकूक का भी पाबंद होता है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक का भी पाबंद होता है और अल्लाह के बंदों के हुकूक का भी उसको ख्याल होता है और वो आखिरत पर भी बोलिए ईमान रखता है। ये क्वालिटी है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है नहीं बात खत्म नहीं हुई। अल्लाह फरमाता है आगे इसी आयत के जुज में वकाम सलात ये वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाता है वात सकात ये वही लोग हैं जो सकात अदा करते हैं। देखिए कुरान चाहे कुरान मजीद फुरकान हमीद की ऑथेंटिसिटी पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की हकीकत पर कि अल्लाह रब तबारक व तआला पहले उनका जिक्र कर रहा है जो मस्जिद बनाते हैं, फिर कह रहा है कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, फिर इरशाद फरमा रहा है कि वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, फिर इरशाद फरमा रहा है कि वो नमाज कायम करते हैं, फिर इरशाद फरमा रहा है ज़कात देते हैं और ज़कात कौन देता है? ज़कात वही देता है जो साहिब निसाब होता है। आप कंटिन्यूटी की खूबसूरती देखें कलाम पाक ये कैसा तसलसल कलाम रब्बानी में अल्लाह फरमा रहा है कि वकाम सला नमाज मस्जिद में नमाज ज़कात बोली देते हैं आप तो ज़कात कहीं भी दे सकते हैं।
दुनिया के किसी भी हिस्से में दे सकते हैं, लेकिन कुरान चाहे कुरान की हकानियत पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसे असलों में बयान में इरशाद फरमाया कि उसकी कंटिन्यूटी को साथ रखकर फरमाता है वो काम सलाम आत सका और बनाते मजीद जो नमाज पढ़ने वाले हों, नमाज को कायम करने वाले और जकात और साहिब के साथ जो होता है वही मस्जिद को तामील करता है, जिसके पास पैसा हो वही इस अजर इस अजीम शान अजर का हकदार बन सकता है। आगे आपको अर्ज करूंगा कि जो न कर सके, जिन्हें अल्लाह ने इतनी दौलत न दी वो दिल न चुका करें। मेरे नबी रहमतुल्लिल आलमीन है हुजूर ने उनके लिए भी बशारतें फरमाई हैं जिन्होंने मस्जिद में से अगर एक तिनका बड़ा कचरे का ढेर नहीं, हुजूर फरमाते हैं हदीस शरीफ है मुस्लिम की, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक तिनका उठाकर किसी ने मस्जिद के बाहर फेंक दिया जो कचरे की मुमासलत रखता हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों की मगफिरत फरमाता है और उसको भी जन्नत में एक घर अता फरमाता है। कुरान पाक की इस आयत को जिसकी तरफ लौट कर आए, मस्जिद को तामीर करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद तामीर करने वालों की एक बहुत हसीन और खूबसूरत क्वालिटी का जिक्र फरमा रहा है। वह इरशाद फरमाता है वलम यख्शा इल्लल्लाह, ये वो होते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, यानी मस्जिद बनाने वाला किसी से डरता नहीं, इसलिए नहीं डरता क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाला हो जाता है, मस्जिद बनाने वाला माहिर व कुदरत हो जाता है, उसका मैदान उसकी तवज्जोहात उसकी जिंदगी का सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने रब की तरफ हो जाता है और मस्जिद बनाने की ये बरकतें भी होती है। अगर ना भी हो तो परवरदिगार उसके इनाम ये अता फरमाता है कि उसकी सारी तवज्जोहात का मरकज अल्लाह तबारक व तआला के साथ बन जाती है। वलम यख्शा इल्लल्लाह फासा उलाई का अन यकूनु मिनल मुतदीन, उसके बाद अल्लाह रब तबारक व तआला आपके लिए जिन्होंने मस्जिद तामीर की है एक मुबारकबाद पेश फरमाता है और कहता है कि अब करीब हम तुम को जिन्होंने मस्जिदें तामीर की है कामयाब लोगों के जुमरे में शामिल कर देंगे, कामयाब लोगों के जुमरे में शामिल कर देंगे। तो यकीनन काबिल मुबारकबाद है मोहतरम मुकाम सैयद अब्दुल करीम साहब कादरी काजमी, जिन्हें शहजादे गौसे आजम पीर मुर्शिद फजीलतुश्शेख हज़रतुल्लामा सैयद शाह काज़िम बादशाह क़ादरी मुसव्विर गिलानी क़द्दसल्लाहु सर्रहुल अज़ीज़ से बैअत व निस्बत हासिल है। यकीन है कि शहजादे गौसे आजम की दुआओं का सबरा है कि करीम कादरी साहब ने और उनके फर्जंदान ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने इनको दौलत अता फरमाई है और दिल भी अता फरमाया है, यहाँ पर एक अजीम शान आलिम शान पैमाने पर खूबसूरत मस्जिद की तामीर का भी अहतमाम होगा। मुझे यकीन है कि इफ्तिताही के दिन माशाल्लाह सफे यहाँ पर पूर हो गई हैं तो हम इंशाल्लाह सहूलत के एतबार से यहाँ पर एक अजीम मरकज को जरूर कायम करने की कोशिश करेंगे आप तमाम के हजरात के ताउन के साथ। और याद रखें मस्जिद जो है वो मैंने जैसे अर्ज किया कि ये पिलर्स कायम नहीं है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो बूढ़े, अक्सर मैं देखता हूं कि मस्जिदों में बाज लोगों को मस्जिद बंद करने की बड़ी जल्दी होती है। मैं राजेंद्र नगर में नई मस्जिद मेरी निगरानी और तामीर हुई बड़ी खूबसूरत हैदराबाद में, वहां पर खिताब करता हूँ दो जगह जुमे का होता है तो मैंने देखा कि मस्जिद जल्दी बंद हो जाती है तो मैंने बुलाकर से मैदान से कहा कि देखें आप ये समझते हैं कि आपकी मस्जिद इन दीवारों पर टिकी है या इस छत की बुनियाद की वजह से टिकी है, नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक के अल्फाज हैं कि वो लोग जो नमाज के अलावा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और फिक्र और उसकी याद में मुस्तफिक होकर इस्तिग़राक के साथ तवज्जो के साथ बैठ जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम यही वो लोग हैं जिनकी पीठों पर मस्जिदें टिकी हुई है, मस्जिदें दरो दीवार पर टिकी हुई नहीं है, मस्जिदें उन पर टिकी हुई है जो बैठकर अपने रब के तसव्वुर में अपने रब की याद में अपने रब के जिक्र में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्हेमात के साथ
वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं मस्जिदें उनकी वजह से टिकी हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये मस्जिदों के हकीकतन सुतून है। हदीस के अल्फाज है, आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग आकर मस्जिद में बैठ जाते हैं, आप सिर्फ बैठे भी आए तो मस्जिदें आपकी वजह से रूह जमीन पर टिकी हुई है, क्योंकि आप अल्लाह की याद में बैठते हैं और जो अल्लाह की याद में बैठता है अल्लाह रब तबारक व तआला उसे लबैक की सदाएं लगाता है। कुरान पाक की आयत है, जानते हैं अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम कि तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा। ये कुर्बान जाए इस बयान पर अल्लाह रब तबारक व तआला बेनियाज है, वो समद है कि नहीं, बैठ जाए जो औजात है बैठ जाए, डिस्टर्ब ना करे। अल्लाह की जात बेनियाज है, वो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे अगर तू मुझे याद करेगा तो मैं भी तुझे याद करूंगा, तू अगर तन्हाई में याद करेगा तो मैं तुझे तन्हाई में याद करूंगा, तू अगर खलवत में याद करेगा तो मैं भी तुझे खलवत में याद करूंगा, और अगर तू किसी बज़्म में किसी मजलिस में किसी महफिल में किसी मस्जिद में किसी मकाम पर मुश्तबे होकर लोगों के साथ जमा होकर अगर तू मुझे याद करेगा तो सिर्फ तेरे लिए बशारत है, मैं तुझसे अच्छी महफिल में तुझसे अच्छे साथियों में मैं तेरा जिक्र करूंगा, मैं फरिश्तों को बुलाकर कहूंगा कि तुम गवाह है ना ये मेरा बंदा है जो मुझे याद कर रहा है। ये एक मुसफ़िर मदारिस के आना के उलमा इसकी रिवायतें हजरत तशरीफ फरमा है, अक्सर बयान नहीं करते लेकिन है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है। मस्जिद में आए तो सिर्फ नमाज पढ़कर भाग जाना चाहे, नमाज का हक भी अदा करें, नमाज का हक होता है दोस्तों। सहाबी रसूल हुजूर के सामने नमाज पढ़ रहे, नौजवानों को तरकीब कर रहा हूं क्योंकि नई मस्जिद है तो नया आगाज भी करें इंशाअल्लाह, नमाज में हुजूर अदा करें। एक सहाबी रसूल आए, आराबी थे, नए नए मुसलमान हुए थे, कैसे नमाज पढ़ी हुजूर, देखे मुस्कुराए और देखे समझाने का जो तरीका मेरे आका अलैहिस्सलाम का है ये सुबह कयामत तक हम सबके लिए दर्स है, इसके अलावा नहीं है, डांट डपट कर नहीं। हुजूर ने आपको यूं देखा, नमाज हो रही था अली जनाब, वो भागे आए हुजूर के पास, आका ने कहा मैं क्या कर रहा था, हमें के सरकार को पता है नमाज पढ़ना है तो मेरे सुबह नमाज पढ़ा, हुजूर ने कहा फिर पढ़ा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, उन पर तनकीद मेरे आका ने नहीं फरमाई कि तुमने ऐसा किया गलत किया, हुजूर ने फरमा फिर पढ़ता रहा, फिर जाकर वैसे ही तेज तेज आए, फिर है सुबह पढ़ लिया, फिर मुस्कुरा ने कहा एक बार फिर पढ़ा। जब जा रहे थे तो ख्याल आया, यानी अपनी गलती को उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने नमाज पे शायद उजलत की है, तेज तेज किया पड़ा है, सरकार को यह अदा पसंद नहीं आई, इसीलिए अब की बार जब गए तो बड़े इत्मीनान से सुकून से बिल्कुल मुतबराना तरीके से जैसे नमाज के हकूक है वैसी उन्होंने नमाज पढ़ी। जब पढ़कर आए तो हुजूर मुस्कुराए, तो जो है आप देखे जो नमाज के हक को अदा करता है और नमाज पढ़ता है तो हुजूर उसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वैसी वैसी नमाज हम पढ़े कि हमारी इधर नमाज खत्म हो आका अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा में हमें देखकर मुस्कुराए। हुजूर ने इरशाद फरमाया नमाज कैसी पढ़ो, नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम जब क़याम के लिए कह रहे हो अल्लाहु अकबर कहकर तो उस वक्त तक रुकू में न जाओ जब तक कि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुमने क़याम का हक अदा कर दिया, यानी इत्मीनान हो गया कि मैंने क़याम बराबर किया, और रुकू में जाओ तो उस वक्त से रुकू तक न उठो जब तक तुमको ये यकीन ना हो जाए कि मैंने रुकू का भी हक अदा कर दिया, समझ रहे हैं आप, और फिर सजदे में जाओ तो उस वक्त तक ना उठो जब तक कि तुमको यकीन ना हो जाए कि तुमने सजदे का हक अदा कर दिया, यही कायदे के भी हुक्म है। फिर इरशाद फरमाया कि ऐसी नमाज ना पढ़ो, सजदा ऐसा ना करो जैसा मुर्ग जो है जमीन पर चोंच मारता है, एक दाने के लिए 10 बार आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली बड़ा तेज तेजी से वो मारता है, तो ऐसी नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं है। नमाज की नमाज से पढ़ना चाहिए, नमाज सुकून से पढ़ना चाहिए, और याद रखिए मस्जिद में आए तो मस्जिद के आधार है दोस्तों, ये वो घर है जहां पर बैठकर आप अगर अल्लाह को याद करें, क्योंकि मस्जिदें रूह जमीन पर अल्लाह का घर है, और सारी मस्जिदों पर मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह शरफा की तरफ है कि नहीं बताइए, तो इन मस्जिदों को मस्जिद हराम से ताल्लुक और किस्मत है, इनकी चहत उस तरफ है, इनका रुख उस तरफ है, इनका निरीक्षण
उस तरफ है मस्जिद।